अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू दो प्याज़ा। इसके लिए हमने यहाँ पे तीन प्याज ले लिए हैं। अब हम इसको चॉप करेंगे। प्याज को अब चॉप कर लें। इसको हमने रफली चॉप करना है। आलू दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें ये तीन अदद प्याज चॉप की हुई चाहिए। पाँच से छः आलू चॉप किए हुए, दो टमाटर चॉप किए हुए, एक से डेढ़ शिमला मिर्च, वन टीस्पून लहसुन चाहिए, वन टीस्पून नमक, वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और दो लौंगे, तीन छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। सबसे पहले हम फ्राई पैन में दो से तीन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फिर इसमें वन टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। फिर उसमें एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची और दो लौंगे डाल के इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। फिर हमने ये जो प्याज कट करी थी, चॉप की थी, वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो रही है ऐसा ऐसा। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। सबसे पहले उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर इसको हम मिला लेंगे। फिर हमने जो उसमें दो टमाटर कट किए थे वो डाल देंगे और आखिर में हम इसमें नमक डाल देंगे। टमाटर डाल के इसको हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे। देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो हम फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें आलू डालकर फ्राई करेंगे। देखिए आलू को हम हल्का गुलाबी होने तक इसको पकाएंगे। देखिए आलू हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं। आलू को हमने इसमें फ्राई करा है ताकि हम इसमें पेस्ट डालेंगे वो इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। आप अपने आलू निकाल लेंगे इसमें। अब हम एक फ्राई पैन लेके इसमें थोड़ा सा बटर, अगर आपके पास बटर है तो बटर डाल दें। मैं यहाँ ऑयल डाल लेंगे। फिर यहाँ हमने जो आलू फ्राई करे थे वो डालेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाया था वो डालेंगे। इसको आप छान दीजिएगा क्योंकि इसमें छोटी इलायची के और बड़ी इलायची के छिलके होंगे पर वो बुरे लगेंगे खाने में। इसको अच्छी तरह मिला लें। देखिए फ्राई करने से आलू पे अच्छी तरह मसाला लिपट गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी चॉप की सब्ज़ी डालेंगे। एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है और थोड़ा एक दो टमाटर हैं और आखिर में हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे।
देखें आलू दो प्याज़ा हमारा तैयार है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आलू दो प्याज़ा आप भी बनाइएगा और अपने घर में ट्राई करिएगा और हमें रिव्यू देगा कि आपके आलू दो प्याज़ा कैसे बने। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।